कश्मीर आग में हाथ डालोगे जल जाओगे। कश्मीर पाकिस्तान की शहरत। द एंटायर यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख आर एन इंटीग्रल एंड इनएलियनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और भारत ने पाकिस्तान की शहरग पर हाथ रखा हुआ है। गवार लोग बोलेंगे जब मोदी इतना कर सकता है कश्मीर के लिए तो तुम्हें कौन सी मौत आ गई थी, तुम क्यों नहीं हमारे लिए कुछ कर रहे। वाह भाई वाह। मोदी ने कहा कि अब ये जो पाकिस्तान है ना इसको अपने हाथ नहीं लगाना, अब ये खत्म हो चुका है, ये फना हो चुका है, इसको हमने अब छेड़ना ही नहीं, अपनी मौत खुद ही मरेगा। और बात हो या नहीं किसी भी पूरी दुनिया में देख लें तो कश्मीर के नाम भी जब भी अटैच होता है ना तो पाकिस्तान की गर्दनें झुकी होती हैं। हाँ भाई हाँ। क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं सिर्फ बातें करते हैं, मीडिया पे जाते हैं बातें करते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट में कश्मीर के मुद्दे को उठाया गया और तुर्की ने भी उस पे सपोर्ट किया, जबकि इंडिया ने बहुत सख्त अल्फाज में उसका जवाब देते हुए ये कहा, द कमेंट मेड बाय तुर्की ऑन अ मैटर दैट इज एन इंटरनल अफेयर ऑफ इंडिया। भारत इश्तियाल इंगेज बयान देने से बाजी नहीं आ रहा है, बयान पे बयान दिए चला जा रहा है कि पाकिस्तान को सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए, और तुर्की को भी हमारे इंटरनल मैटर के अंदर बात करने की जरूरत नहीं है। जरा सुनिए। और ये जो आप कह रहे थे ना कि वो हम मिसाइल मार के हमारे किसी भी जहाज को गिरा देंगे, वो आज भी गिरा सकते हैं। सही। बार बार कहते हैं हम कश्मीर आजाद कराएंगे, अपने मुल्क को आजाद कराने से कश्मीर को क्या आजाद कराएंगे। इंडिया की बात करें तो उन्होंने 25 करोड़ गरीब लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला है। उन्होंने निकाला ना, ये निकाल नहीं सकते, समझ रहे हो, ये नहीं गरीबों को निकाल नहीं सकते, इनको खत्म कर सकते हैं। तरबियत ही नहीं दे रहे बच्चों को, ये पढ़ाई का कोई निजाम ही नहीं। मैं पढ़ता हूँ मुझे लई कसम रोना आता है। क्या हुई कि इस पाकिस्तान में मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा दिल ही नहीं करता मैं इस मुल्क में रहूँ। अल्लाह तौबा। मेरा दिल करता मैं बाहर ही चला जाऊँ जहाँ सब कुछ इन्होंने बना लिया। अल्लाह तौबा। यहाँ पे रहने का कोई फायदा ही नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। पाकिस्तान भारत की वो गंदी औलाद है जिसको देखकर भारत एक ही बात बोलता है, साली गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद, साली गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। अभी पाकिस्तान ने भाई साहब इतनी बड़ी कॉमेडी कर दी है कि आप बोलोगे ये तो जोक ऑफ द ईयर हो गया। अबे जल्दी बोल। पाकिस्तान यूएन में गया है और साथ में गया है तुर्की। हाँ। और वहाँ जाकर पता है क्या किया, कटोरा आगे रख दिया और बोले अल्लाह के नाम पे कश्मीर दे दे रे बाबा। और सुने, वैसे भारत की तरफ से तो इनको यूएन में ही मुंह तोड़ जवाब मिल गया था, मुंह के बल गिर गए थे, लेकिन फिर भी चलिए इन पाकिस्तानी जाहिलों की कॉमेडी देखते हैं। तो कश्मीर के नाम भी जब भी अटैच होता है ना तो पाकिस्तान की गर्दनें झुकी होती हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जहाँ जाते हैं सिर्फ बातें करते हैं, मीडिया पे जाते हैं बातें करते हैं, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कुछ भी नहीं है। सही बात है। अभी जो हमारे इधर इलेक्शन हुआ है 2024 में और जो आवाम के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो आप क्या समझते हैं इसके साथ आप कितना कफेर हैं? जो बंदा अपनी जात के साथ सिंसियर नहीं है वो दूसरों के साथ कैसे सिंसियर होगा? सही बात है। वो चाहे कश्मीर का मसला है, चाहे पाकिस्तान का मसला है, चाहे पूरी दुनिया का मसला है। और हम रोते हैं IMF। IMF को कोई कंसर्न नहीं है गैस से, IMF को कोई कंसर्न नहीं है बिजली से, IMF को कोई कंसर्न नहीं है हमारी एजुकेशन से, IMF को कंसर्न है वो हमारी तस्वीरें दिखाते हैं, ये जी हमारी नंगी वाम है, इनको पैसा दें, ठीक है वो देते हैं पैसा। सर आर्टिकल 370 पे उन्होंने एक फिल्म बनाई है और जो कि बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर जा रही है। तो आप इसी चीज से बर्बरियत का अंदाजा लगाएं अपने आप का, क्या आज आप कहाँ खड़े हैं, 2024 चल रहा है और आप लोग कहाँ खड़े हैं, ठीक है? ये हमें अपने आईने में देखना चाहिए अपने आप को कि हम मुस्लिम हैं, नाम के मुसलमान ना बने, ऊपर आप आगे भी जाके हम सब ने जवाब दे होना है, लेकिन जब हम हक की बात करते हैं तो डरते हैं कि हमें कोई पकड़ ना ले, हमें कोई अरेस्ट ना कर ले, क्योंकि यहाँ पर हक की बात करने वाला आप कोई पीछे बचा नहीं है। आवाम को इतना ज्यादा डरा दिया, इतना ज्यादा प्रेशर है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, आवाम अब अपने राइट की बात नहीं कर रही और ये मुंह उठा के
करके चले जाते हैं कश्मीर की बात करते हैं। इंडिया की बात करें, अपने यूथ को जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेके आ रहा है, आईटी में मोनोपोली बना चुका है, मॉडर्न चीजें अपने यूथ को सिखा रहा है, और हम अपने यूथ को ये सिखा रहे हैं कि बेटा तूने बड़े होके ना कश्मीर के नाम पर जंग करनी है। जोनसी है ना, शहीद के लहू से आलम के कलम की स्याही बहुत बेहतर होती है। जब तक हम लोगों में तलीम शरा ख्वांदगी, उसके बाद हम लोगों में शऊर उजागर नहीं होगा, मादरत के साथ हम लोग इसी तरह जलील होंगे और होते चले जाएंगे। क्यों आईटी में वो लोग आगे चले गए, उन्होंने कहा जी हम लोग चांद पे पहुंच गए, अब ये झूठ है सच है ये अल्लाह जानता है। नहीं पहुंचे हैं, पूरी दुनिया ने इसको देखा, अल्लाह जानता है। इसमें मैं जाती इत्तेफाक नहीं करता कि वो चांद पे पहुंचे कि नहीं। वैसे तो बेटा तेरा ये जो दुखड़ा रोना देख कर है ना, मुझे तरस आ रहा है, लेकिन तुम पाकिस्तानी तरस के काबिल नहीं होते हो। और रही बात बाहर चांद पर गया, इसके लिए पाकिस्तान के सर्टिफिकेट की लोड नहीं है, समझे। हम लोग चांद पे गए, हम लोग अपनी दुनिया में सही नहीं चल रहे, तो हमने चांद पे कहां पे पहुंचना है। हम कहते हैं कि इंडिया का हमें कश्मीर चाहिए, इंडिया के कमेंट आते हैं भाई अपना पाकिस्तान तो पहले बचा लो, खैबर पख्तूनख्वा बचा लो, सिंध बचा लो, आपको सिर्फ पंजाब ही चाहिए। सबसे पहली बात ये है कि हमारी आवाम और हुकूमत नाकिस तरीन है, नाकिस तरीन इस टाइम, बेकार हमारी कम्मे कम्मे, दिल करता है अल्लाह माफ करे इनको गालियां देने को दिल करता है। हर चीज ही डिफेक्टेड हो चुकी है, उनको मरम्मत की बहुत जरूरत है। बीमारी की हालत ये है कि मजाक मजाक में हार्ट अटैक आ जाता है, चलते फिरते हार्ट अटैक आ जाता है, और इसके लिए इलाज दरकार है, वो भी तवील। गरीब इतना बंदा मर रहा है गुरबत से, आप सोच भी नहीं सकती। इधर इस जगह में फिर लें आप, जितना भी एरिया ना, इधर गरीब बेचारे मर रहे हैं, उधर नशे ही बैठे होते हैं गुरबत की वजह से। हमारे हुक्मरान अपनी जेबें भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, इनको खुदा का खौफ ही नहीं। इतना लंदन में इतना कुछ बना लिया, इन्होंने करना क्या? अल्लाह इनको कोई अक्ल मौत दे, पाकिस्तान फना हो चुका है, खत्म हो जाने स्नान करीब। सही बात सर, यूनाइटेड नेशन में जब भी मौका मिलता है दुनिया अपने मसले बड़े बड़े मुल्कों के सुपर पावर के सामने रखती है कि भाई मैं गरीब मुल्क से आया हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, मेरे मुल्क को बचाओ, लेकिन ये वहाँ पर जाते हैं दो लाइनों का रट्टा पिट्टा बयान कि भारत जुल्म कर रहे हैं, हमें कश्मीर दे दो, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, तो अपने पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये तो आप सब सबको बेहतर बताए क्या करते हैं, ये हुक्मरान है ही नहीं। मेरे नबी सल्लम ने फरमा दिया है कि जब तिकर अवाम जाहिल होएगी ना, हुक्मरान भी जाहिल आएंगे। अवाम अच्छी होएगी, हुक्मरान अच्छे आएंगे, ये बात मेरे नबी ने फरमा दी। अगर इसमें गलत है तो वो बंदा ही नहीं जो इस बात को गलत करार। हमारी अवाम भी गलत है, मैं कहता ही नहीं कि हुक्मरान गलत है, आधी हमारी अवाम गलत है, आधी सियासतदान गलत है, आधे लोग गलत है, तरबियत ही नहीं दे रहे बच्चों को, ये पढ़ाई का कोई निज़ाम ही नहीं। मैं पढ़ता हूँ, मुझे लई कसम रोना आता है कि इस पाकिस्तान में मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे रोना आता है। वो सिलेबस पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, ये पाकिस्तान में, ये वो तारीख नहीं बताते अपने मुसलमानों की, इन्होंने तारीख ख़त्म कर दी है, बाहर के मुल्क इन्होंने पढ़ाई जाओ, ये अंग्रेज़ ने किया, ये उसने किया, ये उसने किया, कोई है ही नहीं निज़ाम, इन्होंने अपनी हिस्ट्री गलत लिखी हुई है, अपनी हिस्ट्री गलत लिखी है। मुसलमानों को इन्होंने बताया ही नहीं कि ये तलीम है, ये आपने हासिल करना है, इन्होंने बस यही कि उसने ये बना दिया, उसने बल्ब बना दिया, उसने ये बना दिया, इन्होंने यहाँ तक करी रखा है। मेरा दिल ही नहीं करता मैं इस मुल्क में रहूँ, मेरा दिल करता मैं बाहर ही चला जाऊँ जहाँ सब कुछ इन्होंने बना लिया, यहाँ पर रहने का कोई फायदा ही नहीं है। इंडिया की एजुकेशन पे बात कर लो, वो कैसी लगती है, थोड़ा करीब आ जाओ। हाँ इंडिया की एजुकेशन, आप उनकी इंग्लिश देख लें गूगल पे, उनकी इंग्लिश चलती है, पाकिस्तान की इंग्लिश है ही नहीं गूगल पे, उनकी इंग्लिश पे गूगल चलती है, हमारा कुछ भी नहीं है। उनके बच्चे इतने बच्चे इंग्लिश बोल रहे होते हैं फार, इधर हमारे बेचारे किसी को पता नहीं इंग्लिश होती क्या। इंडिया सही कहता है, मोदी ने कहा कि अब ये जो पाकिस्तान है ना, इसको आपने हाथ नहीं लगाना, अब ये खत्म हो चुका है, ये फना हो चुका है, इसको हमने अब छेड़ना ही नहीं, अपनी मौत खुद ही मरेगा, और बात हो या नहीं। क्योंकि अगर ये कश्मीर कहते हैं ना कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर का क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या पता मुरब्बा डालना हो, अचार डालना हो। आपने पाकिस्तान के हालात ठीक कर नहीं सकते, कश्मीर के क्या करेंगे, कतरा कतरा पानी नहीं है। मेरी बात एक मिनट, सुबह 4 बजे पानी आता है, वो भी गटरों का, साफ पीने वाला पानी नहीं आता, ठीक है। आज से 40 साल पीछे चले जाएं, लोग पानी भरने के लिए जाते थे, आज वही रूटीन है, लोगों ने कैनी लगी होती है, जा रहे हैं पानी भरने के लिए जा रहे हैं, फिल्टर का पानी भरने जा रहे हैं, फिल्टर साफ ही नहीं करते। बार बार कहते हैं हम कश्मीर आज़ाद कराएंगे, अपने मुल्क को आज़ाद करा नहीं सकते, कश्मीर को क्या आज़ाद कराएंगे। जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है ना, इनका एक ही काम होता है, कश्मीर चाहिए कश्मीर चाहिए, सारे भूखे नंगे मरते रहेंगे लेकिन कश्मीर के लिए बिलबिलाते रहेंगे। तो ये बिलबिलाते आए थे ऐसे ही और बिलबिलाते रहेंगे, इनको मिलेगा बाबा जी का
ठुल्लू। तो आज का वीडियो बस इतना ही, आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यो यो किट्टू भाई। और हाँ, मैं अगर थोड़ी बहुत भी आपको पसंद हूँ तो यार किट्टू राव को भी सब्सक्राइब कर लो, कुछ नहीं घटता। वहाँ पर वीडियो के लास्ट में एक लाइन किस भी मिलती है।